कैसे हैं सभी लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने वाला हूं। लास्ट 50 दिन बाकी है आपके नीट के एग्जाम के लिए। बेटा नीट के एग्जाम्स के करेक्शन विंडो ओपन हो गई है, करेक्शन कर लो। फास्टेस्ट करेक्शन आपको करने हैं। जो भी आपका फॉर्म भर चुके हैं आप लोग, उसमें कोई भी करेक्शन ना रहे इसकी आप पूरी केयर करो। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, 50 डेज में करना क्या है, सक्सेस के लिए करना क्या है बेटा, इस नीट 2022 को फोड़ना ही है बेटा। तो इस नीट एग्जाम के लिए लास्ट 50 दिनों का जो पूरा पार्ट है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं बेटा। इन 50 दिनों को क्या करना है, सिलेबस खत्म हो चुके हैं, सारे सब्जेक्ट के सिलेबस खत्म हो चुके हैं, तो अभी आप क्या करोगे। अभी सबसे पहले तो आपके जिन चैप्टर्स में आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है वो चैप्टर्स अलग निकालिए। जो चैप्टर्स आपको थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, जिन चैप्टर्स में आपका अच्छे से काम नहीं हो पाता, वो चैप्टर्स का अलग लिस्ट निकालना है। चैप्टर वाइज स्टडी करना बेटा। पहले आपको सबसे पहला स्ट्रोक तो आपका चैप्टर वाइज चाहिए। जिन चैप्टर्स में आप थोड़े वीक है वो चैप्टर सबसे पहले करो, जो आपके अच्छे चैप्टर्स है उन अच्छे चैप्टर्स को थोड़ी देर बाद करो या उन कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करो। नंबर दो, सिमिलर चैप्टर्स का ग्रुप बना के, या जैसे कि आपका रेडॉक्स रिएक्शन होता है उसके साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लेना बेटा। मोल कॉन्सेप्ट हो गया तो मोल कॉन्सेप्ट के रिलेटेड सॉल्यूशन है, बाकी चैप्टर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या थर्मोडायनामिक्स से ये चैप्टर एक साथ कर लेना है। आपने अगर अल्कोहल फेनॉल इथर किया तो तुरंत एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म कर दो। यानी क्या हो जाएगा, ऐसे रिलेटेड चैप्टर को एक साथ करोगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। आपके पूरे सिलेबस में ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे कि बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री, न्यूरोलाइफ, एक साथ एक स्ट्रोक में खत्म कर दो उनको तीनों को, राइट। ऐसे चैप्टर्स को ग्रुप करो, यस ब्लॉक खत्म कर दो, पी ब्लॉक वन स्ट्रोक 13, 14, 15, 16, 17, 18 एक बार खत्म कर देना है बेटा, राइट। समझ में आया, तो ये सारी चीजें आप कर दोगे। यानी सबसे पहले चैप्टर वाइज, उसके बाद ग्रुपिंग, ग्रुप करना है चैप्टर्स को, 5, 5, 6, 6 चैप्टर्स ग्रुप करके उन सारों के टेस्ट सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपको करना है बेटा सेक्शन। सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है कि एक सेक्शन के अंदर जितनी भी सारी चीजें आती है उन सारी चीजों को रिलेट कैसे कर सकते हैं। एग्जाम में आपके सामने कोई क्वेश्चन आया है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, सेकेंड राउंड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप, लेकिन उस क्वेश्चन में आपको क्लिक नहीं हो रहा है कौन से चैप्टर से आया है, तो ये सेक्शन वाले टेस्ट जो है वो आपको हेल्प करने वाले है। सेक्शन वाला जो स्टडी है वो आपको हेल्प करने वाला है। तो बेटा नंबर वन हो गया आपका चैप्टर वाइज, नंबर टू हो गया ग्रुप वाइज सिमिलर चैप्टर्स को एक ग्रुप करना, थर्ड हो गया सेक्शन वाइज, और लास्ट में आएगा फुल सिलेबस। बेटा फुल सिलेबस टेस्ट को आप लोग क्या करोगे, बहुत सारे बच्चों ने जब से आपका सिलेबस स्टार्ट हो चुका है खत्म होने तक आपके टीचर्स ने आपको गाइड किया है कि बेटा सिनॉप्सिस निकालो, ठीक है। कुछ लोगों के सिनॉप्सिस रेडी होंगे, कुछ से लोगों के सिनॉप्सिस रेडी नहीं है, तो उन लोगों ने क्या करना है, जो आपके क्लास नोट्स है, क्लास की जो नोटबुक है, उस नोटबुक को 100% फॉलो करो। C3 की नोटबुक के बारे में आपको काफी सारे सीनियर्स ने बताया है कि इस नोटबुक में जो चीजें है वो एज इट इज नीट एग्जाम में दिखती है। तो बेटा नोटबुक से आप पढ़ाई करो, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है उन चीजों को राउंड करके रखो, सर के रखो। रेड पेन आपको ज्यादा यूज करना है। इसके बाद जो जो चीजें आपको डिफिकल्ट लगती है, जिन कॉन्सेप्ट के आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, उन कॉन्सेप्ट को आपको सर्कल करके रखना है। सर्कल करके रखेंगे और जब जब रिवीजन करोगे, जब जब उस चैप्टर पे टेस्ट आएगा या फुल सिलेबस में वो चैप्टर आप लोग पढ़ोगे, तो वो सर्कल किए हुए कॉन्सेप्ट को ज्यादा जोर देना है, बाकी कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करके आगे जाना है। तो बहुत बड़ा टास्क स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है बेटा, नजदीक आने के बाद चैप्टर्स को फिनिश कैसा करना है या पढ़ाई खत्म कैसे करनी है, रीडिंग कैसे कंप्लीट करना है, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो उसको आप लोग क्या करोगे, सिनॉप्सिस पढ़ोगे या नोटबुक में से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको ब्रशअप करोगे, बाकी सारे कॉन्सेप्ट आपको आते हैं। बिलीव मी आप जो भी पढ़ने वाले हो इस 50 in 50 days में, आपको हर एक चीज एग्जाम के दिन याद आएगी, बिलीव मी। तर ह्या सगळ्या गोष्टी आजच्या व्हिडिओ मध्ये ज्या मी सांगितल्या तर प्रत्येकाने न चुकता करायच्या आहेत बेटा। यामध्ये कुठलाही डाऊट आला, तुमचा टाइम टेबल मिसिंग आहे, टाइम टेबल मध्ये तीनही सब्जेक्ट होत नाहीयेत, येऊन बेटा तुम्हाला तुमचा टाइम टेबल बनवून देतो।
प्रत्येक टेस्ट नुसार प्रत्येक सब्जेक्ट नुसार तुम्हाला टाइम टेबल बनवून देतो, कुठली टेस्ट करायची कुठली नाही करायची किंवा कशाला महत्व द्यायचं कशाला नाही द्यायचं या गोष्टीसाठी तुम्हाला तुमचा एक मेंटॉर लागणारच आहे. तुम्हाला ज्या मेंटॉर कडून तुम्हाला असं वाटतं की मला परफेक्ट गायडन्स भेटतं त्यांच्याकडे जा, त्यांच्याकडनं टाइम टेबल तुमचा जो आहे त्यांच्याकडे प्रेझेंट करा, त्याच्यामध्ये काही लूपहोल्स असतील ते तुम्हाला समजून सांगतील आणि ह्या वेळेस आपल्याला करायचंच आहे. राईट, सो थँक्यू व्हेरी मच आणि सक्सेस टेस्ट सीरीजच्या व्हिडिओसाठी वाट बघा, लवकरच येत आहे. ऑल द बेस्ट.